मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में ही हमारा अत्यंतिक कल्याण, टॉप मोस्ट कल्याण कृष्ण भक्ति हम कर सकते हैं। दुर्लभ मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। अस्तित्वम चतुरम चैव लक्ष्याम त्वाम जीव जातिषु भ्रमद्भिः पुरुषम प्राप्यम। मनुष्य जन्म पर्यजात तदपि अबलताम जात तेषाम आत्माभिमानिनाम वराकानाम अनाश्रित्य गोविंद चरणद्वयम्। अस्तित्वम चतुरम चैव, अस्सी प्लस चार, अस्तित्वम चतुरम चैव लक्ष्यम लाख, अस्सी प्लस चार चौरासी लाख योनि। अस्तित्वम चतुरम चैव लक्ष्यम त्वाम जीव जातिषु भ्रमद्भिः। चौरासी लाख जीव जाति योनि शरीर बदलते बदलते चौरासी लाख, चीटी मच्छर मकोड़ी पक्षी पशु पंछी कई कई जलचर भूचर द्विचर नौचर एकचर कई 84 लाख योनि में भ्रमण करना तब मनुष्य जन्म पार्यजात। 84 लाख योनियों को भ्रमण करना कोई आसान बात नहीं। हर योनि में जन्म मिलेगा। जन्म का अर्थ है दुख। बच्चा जब पैदा होता है जन्म लेता है तुरंत रोता क्यों है, दुखी था। एक तो जन्म का ही दुख, जन्म का बहुत बड़ा दुख, माता को दुख होता है इतना कई गुना बच्चे को दुख होता है जन्म में, और उधर में 9 महीना कितना दुख। 9 महीना तक आपको अंधेरी कोठरी में रखा जाए, नो लाइट नथिंग जस्ट एम्बेलिकल कॉर्ड जो भी आप हिंदी में बोलते हैं, जो यहाँ से निकलता माता से, हम ऐसी ट्यूब से आपको जूस दिया जाए, खाना दिया जाए, हवा दी जाए, आपके सबको दिया जाए, लेकिन अंधेरी कोठरी में 9 महीना कौन पसंद करेगा। 9 महीना भूल जाओ, एक वीक भूल जाओ, बच्चे को बोलो बाथरूम में लॉक कर दूंगा, बच्चा तुरंत है ना सही हो जाता है ना। तो ये तो 9 महीना का सजा, और वो भी टाइट, टांगे ऊपर और सर नीचे, और माता के घर में कीड़े सब खाते हैं बच्चे को, और माता ने कुछ खा लिया तीखा और सब, तो इतना चुभता है क्योंकि जठर और गर्भ एक ही थोड़ा सा लेयर्स होता है। तो ये है जन्म, बहुत बहुत फ्राइटनिंग भयानक अनुभव है ये, भयानक अनुभव। और ऐसा 84 लाख बार जन्म, और मृत्यु भी 84, मृत्यु कौन पसंद करता है यहाँ। तो मृत्यु का सबको डर है, हानि हानि भूतानि गच्छन्ति अमलायनम स्थावर लक्ष विंशति किम आश्चर्यम परम। धर्मराज यक्ष को कहते हैं कि हमारे आजू बाजू कई जीव मर जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हमारा कभी नहीं आने वाला, हमारा हम तो अमर हैं, हमारा कहीं कभी नहीं आना। अराउंड द कॉर्नर, इट इज अराउंड द कॉर्नर। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, मेरा मृत्यु कभी नहीं आएगा, बहुत बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो अस्तित्वम चतुरम चैव लक्ष्याम,
लाख 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु बुढ़ापा, मैं कई बुढ़ापा बूढ़े लोगों को मिल चुका हूँ। तो कई बूढ़े मुझे प्रार्थना करते हैं, हे भक्तराज भगवान आपकी बहुत सुनते हैं, आप भक्ति करते हो तो प्रार्थना करो कि मुझे ले ले, अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया, मुझे ले ले, क्योंकि बुढ़ापे का शरीर बहुत दुखदायी होता है, बहुत ही दुखदायी होता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, सब अंग गलित हो जाते हैं। कब तक आप पंप लाते हो, वाटर पंप, इलेक्ट्रिसिटी चलता है तो वाटर पंप ज्यादा से ज्यादा कितना चलता है, 10 साल। 10 साल तो बहुत हो गया, 5 साल। और अंदर पंप है हृदय, हर ऐसे ऐसे हर मिनट पंपिंग करता है, तो पंप कहाँ तक चलेगा, ये सोचा किसी ने? पंप कर रहा है हृदय तो ऑर्डिनरी, तो ये पंप कितना चलेगा। और हार्ट अटैक में लोग घबरा जाते हैं, खतरनाक एक्सपीरियंस है, मृत्यु, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग। हॉस्पिटल जाना कौन पसंद करते हैं यहाँ, मेदांता कौन जाना चाहता है, कोई नहीं। तो ये चार चीजें हर योनि, अस्थितिम चतुरम चैव लक्षाम, 84 लाख योनियों में चारे चीजें मिलती है हमें, चारों चीज, जन्म बुढ़ापा रोग, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, गीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग में दोष का दर्शन करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जन्म मिलने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, और इतना ही नहीं, ये जन्म मिला मनुष्य जन्म, वो हम वैसे ही झगड़े में, कमाने में, काम क्रोध में, लोभ में, इन सब में हम जीवन गवा देते हैं। बच्चों को पैदा करो और बच्चों के पत्नी के लिए घर बसाओ, नौकरी करो, धंधा करो, और बच्चों को शादी करो, नौकरी पे धंधे पे लगाओ, और बूढ़े हो जाओ, मर जाओ, स्टीरियोटाइप जीवन बच सब का, नो भक्ति नथिंग, जस्ट भेड़िया गता, जैसे एक भेड़िया दूसरे भेड़िए में पीछे चलता है और खाई में कूद के मर जाते सब। अंधागता अंधगी उपमाना, एक अंधा दूसरे बंदे के पीछे चलता है, क्या होगा। तो ये जो दुर्लभ मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म से ही जीव का कल्याण हो सकता है, और योनियों में जीव का कल्याण नहीं हो सकता, मनुष्य योनि में हो सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही भक्ति हो सकती है। तो इसीलिए प्राज्ञ बुद्धिमान ये दुर्लभ मनुष्य जन्म का सदुपयोग करेगा। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते हम आए, तो हम अगर भक्ति नहीं करते हैं तो फिर से कर्मों की गति से 84 लाख योनि। ये कैसा है कि जैसे एक उंडा कुआ हो, से 100 मील गहरा कुआ हो, पानी उसमें हो ना, पानी नहीं हो, और उसमें से बाहर निकलने का एक दरवाजा हो, इतना दरवाजा हो, और एक कुआ यूपी जैसा बड़ा राज्य जैसा
कुआ है, लंबा चौड़ा मुंडा, और आप अंधे हो, अंधा कुआ है, तो वो डोर जो खिड़की है जहाँ से हम निकल सकते हैं, तो ये जन्म मीन्स आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि करते करते चलते जन्म मृत्यु अलग अलग योनियों में जन्म मृत्यु करते करते जब दरवाजे पर आए, खिड़की पर आए, तो हमें ठोकर लगी, गिर गए, तो उठे तो फिर से खोजने लगे, खिड़की पीछे चली गई। उसी तरह फिर से आए, खुजली आई, तो खिड़की चली गई। तो एक गिर जाना, खुजली है, भक्ति नहीं करना, तो फिर से 84 लाख योनी। भक्ति हमारा कल्याण नहीं करेंगे हम ये मनुष्य योनि में, तो फिर से चक्कर, हमें मिलेगा ही नहीं खिड़की। ये खिड़की है मनुष्य योनि, वो मिलेगी नहीं, तो ये चक्कर में हम चलते रहेंगे। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, यस, मनुष्य योनि मिलने के बाद भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति करने से ही ये खिड़की मिलेगी, नहीं तो भक्ति नहीं करोगे तो ट्रिप हो जाओगे, खुजली आ जाएगी, दरवाजा निकल जाएगा। भक्ति एक खिड़की है, तो भक्ति की शुरुआत और अंत एक चीज में आता है, वो क्या है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।